पाराघाट विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की जनसंख्या करीबन 1447 है। यहाँ शराब भट्टी को लेकर महिलाएं बहुत ही प्रताड़ित है। हमारे पाराघाट में है भट्टी है, 3-4 भट्टी, और दारू गांजा सब है, उसको बंद कराना चाहते हैं हम लोग। गाँव में मूल लोग माहौल खराब कर रहे हैं, दारू पी के, गांजा पी के, शराब पी के सब गाली गलौज करते हैं। बाहर में जाने आने में रास्ते में रुकावट करके सबको गाली गलौज करते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं बड़ों के साथ में। शराब से परेशान होकर महिलाओं ने ये फैसला लिया कि ग्राम पाराघाट विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर में 7 दिन तक गांव की सभी महिलाएं मिलकर रैली निकालेंगे कि वो अवैध रूप से जो शराब बिक रहा है वो बंद हो, जिसमें सरपंच और पंच भी सहमति दें। हमारे गांव में बहुत दारू बेचात रही से वह दारू बेचाए के बावजूद हमारे पति मन आके बहुत गाड़ी गलौज बकाए, मारपीट लगावा है। अवैध रूप से बहुत शराब के बिक्री आगे बढ़ गई से ओला रोकथाम करे ला ना हमारे बिंदा दीदी आई आके हमला सुझाव बताई तो हम वही रास्ता में चले। करीबन 250 महिलाओं को लेकर के हम लोग कलेक्टर ऑफिस में जा कर के धरना दिए, जिसमें एक प्रति कलेक्टर को आवेदन दिए और एक प्रति एसपी को द्वारा दी से कलेक्टर ऑफिस हमल आदेश यहाँ ठीक है कही के एसपी के खिलाफ हम नहीं रखे हैं, कोई दारू पी गाली गलौज बकते और तंग तूफान महिला मल्ला करते तो हम तुरंत थाना यह कर दे थाना वहाँ धरनाओं धरे रहें और थाना में हमारे रिपोर्ट करते हैं तो आके वहाँ एसपी तुरंत वाला चलान कर लेते हैं। अभी क्या स्थिति है गांव का? अभी स्थिति बढ़िया सुधार है हमारे गांव। ग्राम पाराघाट की महिलाएं बहुत ही खुश हैं। आज अगर गांव में कोई भी शराब पी करके आता है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, अगर कोई महिला को गाली गलौज करता है, मारपीट लगाता है, तो तुरंत एसपी का मोबाइल नंबर लगा के उसे अंदर कर दिया जाता है। ऐसे 2-3 बार हो चुका है, और इसी कारण आज गांव में अवैध रूप से जो शराब भट्टी चल रहा था वो बंद हो गया है और गांव की महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं हूं वृंदा आज़ाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।